हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे SBI PO रिक्रूटमेंट 2019। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो है इस साल 2019 में पहला चीज़ है कि फास्ट ट्रैक। ठीक, फास्ट ट्रैक जो आपका रिक्रूटमेंट की प्रोसेस की बात कही गई है, पहला चीज़ है। दूसरा कि डबल, ठीक, डबल जो है वैकेंसीज आने वाली है, ये चीज़ आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है। ठीक, पहला चीज़ फास्ट ट्रैक जो होगा और रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, दूसरा डबल वैकेंसीज होगी। तो बात यहाँ पे है, जैसे कि पार्लियामेंट कमेटी ने एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सभी बैंक को दिशा निर्देश दी है कि आप जितना जल्द से जल्द हो सके इसके रिक्रूटमेंट की प्रोसेस करें। चूँकि देखिए, 2019 एक तो इलेक्शन टाइम है, सेकेंड चीज़ कि आपका इस 2019 और 20 में काफ़ी तादाद में बहुत सारे जो हैं एम्प्लॉयड रिटायर्ड हो रहे हैं। ठीक है, खासकर बात करें PO या फिर जितने भी ऊपर थे उसके ऊपर के, जितने भी स्केल वन से ऊपर के जितने भी अधिकारी, बहुत सारे अधिकारी जो हैं कि इस बार रिटायर्ड करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इस बार वैकेंसीज लास्ट ईयर की अगर बात करें तो इससे ज़्यादा होगी, चूँकि इस बार क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारे रिटायर्ड करेंगे एम्प्लॉय, तो जाहिर सी बात है कि मैन पावर बढ़ेगी और लोगों की आवश्यकता बढ़ेगी, कैंडिडेट का जो है कि वहाँ पे सिलेक्शन होने का चांसेस बन सकता है अगर वो तैयारी बढ़िया से कर ले तो। अब है यहाँ पे कि SBI PO है क्या भाई, व्हाट इज़ SBI PO एग्ज़ाम। SBI PO एग्ज़ाम है क्या, तो नेशनल लेवल एग्ज़ाम इज़ बींग कंडक्टेड बाई SBI फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोविजनरी ऑफिसर, मीन्स कि प्रोविजनरी ऑफिसर का जो है रिक्रूटमेंट करता है SBI। ठीक, और SBI को ऐसे भी आप सभी को पता होगा कि SBI एक वेल रिप्यूटेड आप इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, अगर जहाँ पे आप एक एम्प्लॉय होते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा रिप्यूटेड होते हैं। और हर साल की अगर बात करें तो लगभग 30 लाख कैंडिडेट हर साल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जिन्हें यहाँ पे जो सिलेक्ट होते हैं, फाइनल सिलेक्शन जिनका होता है आफ्टर इंटरव्यू राउंड के बाद, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है SBI एज अ प्रोविजनरी ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल वन में। उनको ये चीज़ उनको मीन्स की पोस्टिंग होती है, उनकी जॉब लगती है, वो एक मीन्स की एक रेपुटेड इंस्टीट्यूशन में एज अ PO बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 2019 में क्या संभावना है, 2019 की अगर बात करें, 2019 की बात करें तो काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। जो 2018 में हो सकता है उनका SBI PO में सिलेक्शन ना हुआ हो, क्लर्क में नहीं हुआ हो, RRB में नहीं हुआ हो, चाहे वो क्लर्क हो चाहे PO हो, या फिर IBPS क्लर्क या यहाँ पे मेंस के PO की बात करें, तो अभी IBPS क्लर्क के रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या वो होप छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, बिग अपॉर्चुनिटी आपके सामने होगा, तो आप इसको गवाइएगा नहीं, बिल्कुल भी आपको गंवाना नहीं है। अब रहा कि SBI PO का जो है कि नोटिफिकेशन कब आएगी, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी और हर साल, जैसा कि पिछले साल तो थोड़े 2018 की बात करें थोड़े लेट हो गया, तो नोटिफिकेशन आने में थोड़े से लेट हो, लेकिन इस बार ऐसा डिले नहीं होने की उम्मीद है। तो लास्ट वीक ऑफ फरवरी हम कह सकते हैं कि आ सकता है, चूँकि यहाँ पे जो कि जनवरी एंड और फरवरी फर्स्ट वीक के बीच में इसका जो है 2018 का जो है PO का जो है आपका प्रोसेस जो कंप्लीट होगा, उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं कि लास्ट वीक जो है आपका इसका जो है मीन्स की नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। ठीक, अब इसमें बात करेंगे कि अप्लाई कब से होगा, तो अप्लाई तो आप सभी को पता है लास्ट वीक में या मार्च में आता है फर्स्ट वीक ऑफ, तो आपका 15 से 18 डेज आपको समय मिलते हैं इसको अप्लाई करने के लिए, और उसके बाद 1 मंथ का आपको समय मिलता है कि आप इसको तैयारी करके आप एग्ज़ाम को क्रैक करते हो। 1 मंथ सफिशियंट नहीं होगा, आपको अभी से 3 मंथ हैं, कम से कम 3 मंथ अभी से हैं, अगर आपको इस 3 मंथ में अगर कंटिन्यू तैयारी करते हो तो बिल्कुल आप SBI PO क्रैक कर सकते हैं। ठीक, और बाकी नोटिफिकेशन के बाद जो अपडेट आएगा ऑफिशियल, उसके बाद ही मैं आपको सारी चीज़ के अपडेट कराऊंगा। फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ के बात करें कि करेंगे कि यहाँ पे जो अगर बात करें 2019 में न्यू क्या है ऐसा, तो देखिए 2017 तक तो आप सभी को पता था कि यहाँ पे बात हो रही थी PO का को क्या था कि सर प्रीलिम्स में जो था टाइम सेक्शन नहीं था, पर्टिकुलर जो टाइम सेक्शन नहीं था 2018 से ये चीज़ लागू हुआ है। तो न्यू कह सकते हैं कि फर्स्ट और सिलेक्शन टाइम लिमिट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर इस सेक्शन SBI PO प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक, सेकंड चीज़ है कि देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ फॉर SBI PO प्रीलिमिनरी एज वेल एज मेंस एग्जाम। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, पहला चीज़ यहाँ पे न्यू में क्या चेंज हुआ है 2017 का बात छोड़े 18 से, कि एक तो पहला कि आपका सेक्शनल जो है टाइम लिमिट किया गया है 20 मिनट्स का। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या किया है यहाँ पे, आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं भाई, नो सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, नो सेक्शनल जो है सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चाहे वो प्री हो चाहे यहाँ पे मेंस की बात करें, प्री प्लस मेंस में आपका क्या है
नो सेक्शनल कट ऑफ और 20-20 मिनट्स की बात करें, प्री की बात करें तो 20 मिनट्स ईच सेक्शन में आपका टाइम है। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन ईच फेज ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक, ये चीज़ तो हो गया। तो ये दो चीज़ आपको मैंडेटरी है ध्यान में रखना है कि आपका जो है कि 20 मिनट्स का ईच सेक्शन है और नो सेक्शनल कट ऑफ। ठीक, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बनेगा कि एज क्या होगा, आपका 21 से 30 साल होना चाहिए, 21 से 30 साल होना चाहिए, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मीन्स कि आपको ग्रेजुएट होना होगा। ठीक है, आप ग्रेजुएट हो और कोई भी स्ट्रीम से हो, ग्रेजुएट बस होना चाहिए। ठीक है, और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफाइड जो भी है इसके इक्विवेलेंट में होना चाहिए। यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं मांगा कि 60% हो, ऐसा टाइम बॉन्डेड यहाँ पे कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है कि नहीं भाई 60% होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होना चाहिए, आप पास हो चाहे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन जो भी हो। ठीक, अगर ऐसा मीन्स कि मान लिया कि अगर आप सोचते हैं कि 60% से ज़्यादा होगा तभी हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ के इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या हो सकता है, तो यहाँ पे जो है कि जो फॉलोइंग होता है एप्लीकेशन ऑनलाइन भरने के जो प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे आपको करना है कि विजिट ऑफिसर साइट www.sbi.co.in/career उसमें पेज में जाना है, वहाँ पे आपको जो है कि न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन मिलेगा, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तब वहाँ पे सारे चीज़ आपको करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको ईमेल आईडी हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, सब सबमिट करना होगा। उसके बाद आपका जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो स्क्रीन पे आएगा मिलेगा, ठीक, उसको आपको मीन्स कि अपना सेव करके रखना है, और उसके बाद स्कैन फोटोग्राफ और बाकी सिग्नेचर वगैरह हैं आपको उसमें करके डालने हैं, और इंटरव्यू पर्सनल डिटेल्स एज पर एजुकेशन सर्टिफिकेट, और जितने भी आपने एजुकेशन आपके पास सर्टिफिकेट, जितने भी आपके पास एजुकेशन उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को फिल करना है। ठीक, तो ये तो हो गया ये चीज़, और उसका जो है आपको क्या करना है, फॉर्म जो होता है SBI PO जो फॉर्म भरते हैं उसका क्या करते हैं, प्रिंट पेज निकाल के रखते हैं कि फ्यूचर में आपको काम देते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें जॉब प्रोफाइल में, हम समझते हैं क्या है कि जॉब प्रोफाइल है क्या। ठीक, तो आते हैं, इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ टास्क वन माइट हैव टू अंडरटेक आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड एज अ प्रोविजनरी ऑफिसर इन SBI। द कैंडिडेट्स आफ्टर सेलेक्टिंग अंडरगो प्रोविजन प्री 2 ईयर्स, मीन्स कि जिनका सिलेक्शन होता है, ठीक है, जिनका फाइनल सिलेक्शन होता है उनको 2 साल के लिए एज अ प्रोविजन पीरियड के तौर पे उनको काम करना होता है, जिसमें कि वो उसमें ट्रेनिंग लेते हैं, सारे प्रोसेस बैंकिंग के जितने भी प्रोसीजर होते हैं उनको उस पीरियड 2 साल के पीरियड में वो क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, उन सारे एस्पेक्ट को, जितने भी वैलिड एस्पेक्ट है उसको 2 साल के अंदर में सीखते हैं। अब आते हैं यहाँ पे बात करते हैं सैलरी, तो सैलरी क्या होती है भाई, अगर बेसिक सैलरी की बात करें तो 27,620 के आसपास होता है, बाकी आपका इंक्रीमेंट अलाउंस, यहाँ पे 4 तरह के इंक्रीमेंट होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें कि अपार्ट फ्रॉम दिस, और 4 जो इंक्रीमेंट होते हैं इसके अलावा, ठीक है, 4 इंक्रीमेंट होते हैं इसके अलावा क्या होते हैं साल में, जो 4 इंक्रीमेंट के अलावा आपको क्या क्या मिलता है भाई इसमें देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो है कि डेरेंस अलाउंस DA जिसको कहते हैं, डेरेंस अलाउंस मिलते हैं, DA मिलते हैं आपके पास, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मिलते हैं, उसके बाद लीज्ड हाउस अलाउंस जो है अलाउंस यहाँ पे होता है, एकोमोडेशन मिलते हैं, फर्नीचर अलाउंस मिलते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस मिलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलते हैं। तो यहाँ पे जो सैलरी के अलावा यहाँ पे देख रहे हैं ये सैलरी है, और आपका जो 4 इंक्रीमेंट की बात यहाँ पे की गई है, इसके अलावा आपको क्या क्या मिलता है तो यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते थे कि क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, जिसमें कि सारे उसके ऐड करके आपको कहीं ना कहीं ये जाके कम से कम 42,000 के आसपास में आपको सैलरी मिलेगी। ठीक, अब आते हैं कि इसे प्रमोशन ग्रोथ में क्या भाई, जो कैरियर है PO का क्या क्या, तो देखिए सबसे पहले तो ऑफिसर आप स्केल पे आप क्या करते हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर जब आपको रिक्रूटमेंट मिलती है, जॉब मिलती है, तब एज आप क्या करते हैं ऑफिसर स्केल 1 होते हैं या फिर असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, उसके बाद आपको डिप्टी मैनेजर आप प्रमोट हो सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, चीफ मैनेजर बन सकते हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन सकते हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर बन सकते हैं, चीफ जनरल मैनेजर बन सकते हैं, और फाइनली आप जनरल मैनेजर तक बन सकते हैं। ये है इसका ग्रोथ, तो काफ़ी अच्छा खासा दूर तक इसका ग्रोथ है। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर है क्या, इसमें देखिए 3 चीज़ होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 चरण से आपको गुजरने पड़ेंगे। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस क्लियर करना होगा, मेंस क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू क्रैक करना होगा, तब जाके इसमें सिलेक्शन होगा। अब भाई यहाँ पे बात करते हैं कि प्रीलिम्स में क्या होता है, प्रीलिम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ये है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में क्या पूछे जाते हैं भाई, तो यहाँ पे प्रीलिम्स में कुछ नहीं पूछे जाते भाई, इंग्लिश सेक्शन होता है, रीजनिंग होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है,
जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए होते हैं, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। और पर्टिकुलर सभी के लिए 20-20 मिनट हैं, 60 मिनट एक घंटे का समय मिलता है, ठीक है, एक घंटे का इसमें समय, लेकिन उस एक घंटे को 20-20 मिनट के टाइम में बॉन्ड किया गया, ब्रेक किया गया, और हर सेक्शन को 20 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, 20 मिनट में ही आपको उस सेक्शन को क्लियर करना होगा, ठीक। अब आते हैं इसके अलावा, अगर हम बात करें प्रिलिमिनरी के बाद हम करेंगे तो इसके बाद होगा यहाँ पे मेंस का भी बात करेंगे, मेंस में क्या क्या पूछे जाते हैं, ठीक। तो मेंस सिलेबस में कुछ नहीं है आपको, क्या बढ़ जाएंगे भाई, जो होता है आपका तीन चीज़ तो होते ही होते हैं, एक चीज़ आपको जो बढ़ जाएगा आपका जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें, और अगर क्वांट की बात करें उसमें DI वगैरह आपको ज़्यादा इंक्लूड हो जाएंगे। अब एक खास बात इसमें क्या है ये याद रखिएगा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट्स कर सकते हैं SBI, अगर PO की बात करें तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने कर सकते हैं, अगर जनरल कैटेगरी है तो वो 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं, 4 बार वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर जनरल PWD है, पर्सनल विथ डिजेबिलिटी, अगर उनको हैंडीकैप है जनरल में भी, तो उनको 7 बार मिलेगा, OBC को 7 बार मिलेगा, चाहे वो PWD हैं या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST वाले चाहे वो PWD हो या SC ST हो, उनका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन, मींस कि लाइफ टाइम, मींस कि जितना जब तक एज उनका है तब तक एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये 4 टाइम्स से 7 टाइम्स काउंट कब होता है, जब यहाँ पे बात की अपियरिंग प्रीलिम एग्ज़ाम इज़ नॉट काउंटेड, आप अगर प्रीलिम एग्ज़ाम में बैठते हैं, याद रखिए प्रीलिम एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो वो काउंट नहीं होता है, अगर आप मेंस में बैठते हैं, अगर आप मेंस में बैठते हैं तब ये काउंट होगा, मीन्स कि आप प्री, मान ली कि प्री आपने 10 टाइम्स दे दिए, ठीक है, हो सकता है प्री आपने 10 टाइम्स दे दिए और लेकिन मेंस एक बार भी आपका नहीं हुआ, प्री 10 टाइम्स दे दिए और मेंस एक बार भी नहीं, तब भी आप क्या होगा यहाँ पे, 0 माना जाएगा कि 0 अटेम्प्ट है आपके, ठीक है। अगर आपने मेंस अटेम्प्ट किया तब आपका काउंट होना शुरू, 1, 2, 3, 4, तो 4 यहाँ पे आ गए तो जनरल कैटेगरी वाले का ख़त्म, बाकी जनरल अगर OBC की बात करें तो OBC को 7 टाइम मिलेगा, बाकी SC ST वाले के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आते हैं मेंस पैटर्न में, इसमें क्या होता है भाई, मेंस पैटर्न में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड होता है, डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन होता है जिसमें कि क्वांट की बात करते हैं, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जिसमें 45 क्वेश्चन 60 मैक्सिमम मार्क्स में होते हैं, रीजनिंग की बात करें, DI की बात करें तो यहाँ 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए होते हैं, जनरल इकोनॉमिक है बैंकिंग अवेयरनेस की बात है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए होते हैं, और इसमें भी आपका टाइम पर्टिकुलर जो टाइम है इसमें बॉन्ड है, जिसमें कि रीजनिंग के लिए 60 मिनट मिलेंगे, DI के लिए 45 मिनट, GA की बात करें तो यहाँ पे, या बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो 35 मिनट, और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 40 मिनट का समय मिलता है। कुल मिलाकर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए और 3 घंटे का समय होता है। चलिए अब यहाँ पे एक नज़र डालते हैं कि 2018 का, अब एक बार जब आप PO की अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और 2018 कि अगर नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि आप अगर 2019 में दे रहे तो एक बार आपको पीछे जाकर देखना होगा कि भाई 2018 में कट ऑफ कितना गया था, कि हमको भी उतना क्लियर करना होगा, हमें भी उतना लाना होगा तभी जाकर क्लियर होगा। तो एक चीज़ दिमाग में बैठाना होता है कि यार जो लास्ट ईयर होता है उतना तो कट ऑफ रहेगा ही रहेगा, वो तो फिक्स है कि उतना रहेगा, उससे उसमें 4-5 मार्क्स ऐड करके ही हर साल देखेंगे कि आप कट ऑफ होते हैं। तो हर बार कट ऑफ आपको कम नहीं देखने को मिलता, हर बार आपको कट ऑफ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। ये कह सकते हैं कि कभी कभी होता है, कई साल ऐसे होते हैं कोई साल की जिसमें क्वेश्चन काफ़ी हार्ड होते हैं तब कट ऑफ कम होता है, लेकिन अगर नॉर्मल सा क्वेश्चन है उस पर हर साल आ रहे तो कट ऑफ लगभग उसी के आसपास में होता है। अगर हम 2018 की बात करें, प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें जिसमें कि 100 क्वेश्चन का था, ठीक है, 100 क्वेश्चन तो होते ही आप सभी को पता है, जिसमें जनरल कैटेगरी का 56.75 गया था कट ऑफ, हम लोगों ने सोचा था कि भाई 50 से एवम नहीं जाएगा, 50 के अंदर ही में रहेगा, लेकिन 50 प्लस चला गया। OBC की बात करें 54.25 गया, ST की बात करें तो 43 और SC की बात करें 49, बाकी यहाँ पे PWD कैटेगरी वाले देख सकते हैं, ठीक। तो ये 2019 में जो बैठेंगे उनके लिए है कि भाई अपना देख ले कि आपको इस बार भी 56 अगर पिछली बार गया है जनरल कैटेगरी से तो इस बार आपको कम से कम 60 के आसपास में करके, मीन्स कि 60 आपको मार्क्स लाने ही लाने हैं, मीन्स कि अटेम्प्ट ज़्यादा करो और 60 ले आओ, तब आप जाके 100% आप सेफ हो जाओगे। अगर बात करें मेंस का तो यहाँ पे देखिए मेंस में क्या होता है भाई, मिनिमम मार्क्स टू बी सिक्योर टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर GE and PI राउंड, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलाकर, ठीक, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलाकर यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि 250 टोटल 250 मार्क्स हो गए, ठीक है, 250 मार्क्स हो गए यहाँ पे,
चूँकि यहाँ पे इसके ऊपर मैंने अभी मेंस का पेपर आपको दिखाया था कि 150 को 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे 25 की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, तो यहाँ पे 200 में यार 200 तो ये हो गया, 50 मार्क्स का जो आपका इंटरव्यू वगैरह वो हुआ, ठीक, तो उसको मिलाकर और यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी का 93.10 गया, ओबीसी का 86.42 गया, एसटी की बात करें तो 75.01 गया और एससी की बात करें तो 77.13 गया। ओएच कैटेगरी, वीआई कैटेगरी और एचआई कैटेगरी जिसको कहते हैं पीडब्ल्यूडी, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बात करें कि ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू में क्या गया, तो 50 मार्क्स के जो होते हैं ग्रुप इंटरव्यू, जिसमें कि 18 एसटी एससी ओबीसी का रहा और 20 रहा जनरल का, और बाकी ओएच कैटेगरी का भी 18 रहा। टोटल कट ऑफ मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये तो गया, नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जब उसको यहाँ, तो यहाँ पे 250 का जितना भी क्वेश्चन हो गया भाई यहाँ, उसके अलावा तो यहाँ पे काउंट जो हुए 100 पे, जब 100 पे इसको काउंट किया गया नॉर्मलाइजेशन में, तो जनरल कैटेगरी का 50.79, ओबीसी का 46.26, एसटी का 39.87 और एससी कैटेगरी का 43.99 गया। वही बात करें ओएच कैटेगरी, वीआई कैटेगरी, एचआई कैटेगरी का जितने भी हैं कैंडिडेट, यहाँ पे देख सकते हैं कि कट ऑफ किया गया। तो यहाँ पे इस तरह से कह सकते हैं कि मिनिमम जो मार्क्स थे टू बी सिक्योर्ड, टू बी शॉर्टलिस्टेड जीई एंड पीआई राउंड, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर था, ठीक है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर था 250। डिस्क्रिप्टिव जो होते हैं आपके यहाँ पे 200 तो ये हो गया आपका, और उसके बाद क्या था कि 50 जो होते हैं क्वेश्चन होते हैं आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में होते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गए 50 का और वो मिला के 250, और यहाँ पे 50 उसमें हो गए आपका इसमें ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू की मिला के, तो कुल मिलाकर यहाँ पे तो हो जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 पे काउंट किया जाता है, ठीक है, 100 पे काउंट किया जाता है, ना कि यहाँ पे जो आपका जो 250 की बात की गई उसमें, उस पे काउंट नहीं करते हैं, ठीक। तो गाइस यहाँ पे पूरे प्रोसेस जितने भी थे मैंने आपको 2019 के पीओ के लिए मैंने आपको बता दिया है, तो आपके पास अभी से 3 मंथ हैं, ठीक है, 3 मंथ हैं, और इस 3 मंथ में आपके पास आप कुल मिलाकर आपको 90 डेज होंगे, और इस 90 डेज में आपको अपना सपना साकार करना है, और आप कैसे करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना स्ट्रेस लेते हैं, कितना डेडिकेटेड होते हैं इसके लिए। अगर आप अभी से लगे रहते तो आपका है कि सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ेगा, और अभी से अगर लगते तो एक चीज़ पे जरूर फोकस कीजिएगा, पहला कि इंग्लिश पे, क्योंकि इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें, याद रखिएगा। बाकी सब सेक्शन तो एज यूजुअल सभी से बनते, लेकिन इंग्लिश में कहीं ना कहीं उनका मुश्किल होता, तो इंग्लिश को जरूर फोकस करिए। बाकी करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ते रहिए, ठीक है, बाकी क्वांट सेक्शन और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, दैट्स इट। तो गाइस फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।